बसमिल वरमल वर्क ओके स्टील टेस्टिंग ऑन साइट एक इम्पॉटेंट टेक्निक है जो कि uh, जहाँ पर भी हम स्टील लगाते हैं वहाँ पर बेंड जो बेंड स्ट्रेंथ होता है ये एक इम्पॉर्टेंस के हामिल लफ्स है वजह ये है कि हमारा जितना भी स्टील यूज़ होता है साइटों पर उसमें से मोस्ट ऑफ इट बेंड हो जाता है ठीक है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक स्टील है जिसको हमने बेंड किया हुआ है अब प्रॉब्लम क्या है स्टील के अंदर स्टील के अंदर जो प्रॉब्लम है आ, वो अगर हमने देखना होता है साइड पर तो यहाँ पर हमने देखना होता है इधर इस पॉइंट को ये जो पॉइंट है ना इसको देख रहा हूं। जब हो जब बेंड हो जाए ना आप इसको एक नज़र इसके ऊपर दौड़ाएं ठीक है क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर इस बेंड के आसपास आपको कहीं पर क्रैक्स नज़र आए ना तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्टील है उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ है और वो स्टील पर यूज़फुल नहीं रहता ठीक है हाँ बावजूद इसके कि क्रैक्स नज़र आने के बाद ये टूटेगा नहीं मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा लेकिन वो क्रैक नजर आएंगे जो कि डेंजरस है तो जहाँ पर भी आप लोगों ने डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑन साइट करनी हो तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस स्टील में कहीं पर क्रैक नज़र ना आए आ, अगर क्रैक आपको नजर आए तो उसकी केमिकल टेस्टिंग प्लस इसकी बेंड टेस्टिंग करनी चाहिए आ, जो कि एक सौ अस्सी डिग्रीज या फिर यू बना के टेस्ट किया जाता है ताकि इसके अंदर जो भी मसले मसाइल हैं वो आपको फ्यूचर में ना देखें तो ये एक टेस्ट था साइट पर जब भी आप लोगों ने स्टील को चेक करना होता है क्रैक ज़रूर देखें कि क्रैक का जो मसला है वो स्टील के अंदर कभी नज़र ना आए थैंक यू अल्लाह